इसका श्रेय मेरे फैमिली को सबसे पहले देना चाहूँगा, मम्मी पापा भाई बहन सबको। फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा पढ़ते थे, 8-9 घंटे पढ़ते थे, पर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ा कम हो जाता है, 6 घंटे 7 घंटे इतना रहता है। एकदम ड्रीम जैसा लग रहा है सब, एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा एकदम से हो गया है, जज्बात एकदम से पलट गए, सब कुछ एकदम बदल गया है। UPSC परीक्षा की टॉपर्स लिस्ट में एक नाम किसान के बेटे का भी है, जी हाँ, यक्ष चौधरी। UPSC परीक्षा में देश भर में 6ठी रैंक हासिल करने में कामयाब रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यक्ष चौधरी ने इस परीक्षा में पास करके अपने परिवार अपने गांव का नाम रोशन किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट, मैं हूं गौरव मिश्रा। न्यूज़ रूम पोस्ट पर हम अपने दर्शकों को UPSC टॉपर्स के बारे में लगातार जानकारियां दे रहे हैं। आप सभी के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश है कि ऐसी अच्छी खबरें, इंस्पिरेशनल खबरें, वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप उन्हें लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचती रहें और ऐसे लोगों से लोग प्रेरणा दे सके। तो इस वीडियो में UPSC में 6ठी रैंक हासिल करने वाले यक्ष चौधरी की कहानी। यक्ष चौधरी यूपी के अमरोहा में नौगांवा सादात के नया गांव के रहने वाले हैं। यक्ष चौधरी के पिता का नाम नौनिहाल सिंह है और पेशे से वो किसान हैं। यक्ष उनके छोटे बेटे हैं। यक्ष की उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है और यक्ष भी अपनी सफलता के पीछे खुद की मेहनत और माता पिता का सहयोग बताते हैं। इसका श्रेय मेरे फैमिली को सबसे पहले देना चाहूँगा, मम्मी पापा भाई बहन सबको। दूसरा मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ लोग जैसे लविका, अभिषेक, सुनील, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और तीसरा श्रेय मैं खुद को देना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि गांव से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले यक्ष ने कक्षा 10 और 12 की परीक्षा अमरोहा के सरस्वती सर्वोदय एकेडमी से पास की। 2017 में IIT गुवाहाटी से बीटेक करने वाले यक्ष का यह तीसरा प्रयास था। मैंने अपना 10th और 12th तो सर्वोदय सरस्वती एकेडमी अमरोहा से किया है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक किया है IIT गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू किया। 2019 में मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में भी सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने लीव ली थी और अभी मेरा सिविल सर्विसेज में हो गया है। साल 2019 में उन्हें निराशा हाथ लगी थी, वहीं 2020 में वो साक्षात्कार तक का ही सफर पूरा कर सके थे, लेकिन इसके बाद तीसरे प्रयास में उन्हें कामयाबी मिली। हालांकि 2019 में उनका चयन CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर भी हुआ, वहां उन्होंने ज्वाइन भी किया, लेकिन इसके बाद वो छुट्टी पर आ गए और सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गए थे। यक्ष चौधरी ने बताया कि समाज के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें इस तरफ लेकर आया। उनका लक्ष्य केवल IAS अधिकारी बनना ही था। बगैर मेहनत और लक्ष्य निर्धारित किए सफलता संभव नहीं है, ऐसा यक्ष का मानना है। यक्ष ने कहा कि छात्र छात्राओं को चाहिए कि वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले लक्ष्य को निर्धारित जरूर करें। यक्ष चौधरी ने कहा कि इंटरव्यू UPSC परीक्षा का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जिसमें हमें कई बोर्ड मेंबर से मिलने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ सवाल आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से भी पूछे जाते हैं, कुछ करंट अफेयर्स से, तो कुछ प्रश्न उम्मीदवार के बैकग्राउंड से संबंधित भी होते हैं। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने का दायरा कुछ भी हो सकता है। बोर्ड मेंबर इन सवालों के जरिए उम्मीदवारों की पर्सनैलिटी को भी चेक करते हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि UPSC की परीक्षा के दौरान जो प्रश्न उनसे पूछे गए उसके बारे में। यक्ष ने कहा कि मुझसे मेरे ग्रेजुएशन विषय सिविल इंजीनियरिंग और वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र से जुड़े सवाल किए गए। CRPF में सहायक कमांडेंट के रूप में मेरी नौकरी से संबंधित भी मुझसे सवाल किए गए। समसामयिक घटनाओं, जलवायु के बारे में भी हमसे प्रश्न पूछे गए। यक्ष चौधरी ने कहा कि अगर आप इस परीक्षा में रुचि रखते हैं तो इसके बारे में पढ़ें और समझें और अपने ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना लें। तो ये थी किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले और UPSC में 6ठी रैंक हासिल करने वाले यक्ष की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। नमस्कार।